Hello friends, welcome to Maths Guru. This is fifth video of integration. इंटीग्रेशन की पांचवी वीडियो है और चौथी वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस किया है 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23 को. 7.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज है. सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज का मतलब कि किसी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो उसमें से किसी एक को हम टी मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसकी वैल्यू टी से और डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा फंक्शन इजीली आ जाता है. इसी चीज़ को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. आइए क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज से. क्वेश्चन नंबर 24 हमको दिया गया है 2 कॉस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में 6 कॉस एक्स प्लस में 4 साइन एक्स. अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें. अगर ध्यान से देखें तो नीचे दो कॉमन है, पहले दो कॉमन कर लेते हैं. दो कॉमन करते ही नीचे कितना बन गया, 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स. ऊपर कितना है, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स. इसको इंटीग्रेट करना है हमें. अब नीचे वाले को अगर टी मानेंगे तो 3 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 3 साइन एक्स, और माइनस 3 साइन एक्स हमें पता है ऊपर दिया गया है. यहाँ पर 2 हो जाएगा, कॉमन ले लिया हमने 2, तो 2 साइन एक्स का 2 कॉस एक्स, तो ऊपर 2 कॉस एक्स. इसका मतलब नीचे वाले को ही टी मानेंगे. अगर नीचे वाले को टी मानेंगे तो आ जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 3 कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स. कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स प्लस में 2 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स. और इसके साथ में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल में डी टी. ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में सीधे. क्या ऊपर इंटीग्रेशन में अपने पास ये वैल्यू है, माइनस 3 साइन एक्स दिया हुआ है, 2 कॉस एक्स दिया हुआ है. इस चीज़ को अगर आगे पीछे करके लिख दें, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी. तो ये वैल्यू हमें दे रखी है ऊपर. इस पूरे की जगह 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, dx की जगह हम लिखेंगे dt. और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 कॉमन लिया था इसको बाहर रखें, 3 cos x प्लस 2 sin x. 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने t माना हुआ है, 1/t dt. अगर 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आएगा log t. तो इसका आंसर बनेगा 1/2 log t प्लस में c, जहां पर t की वैल्यू क्या होगी, वही जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी, 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ब्रैकेट में दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है. तो इसको करने के लिए एक लॉग वाला मेथड है. लॉग वाला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज लगभग 7.3 या 4 में आएगा, वो 7.3 में हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे उसको, तो उसकी बात वहाँ पे करेंगे लॉग वाले मेथड की. अभी जो मेथड लग रहा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक लॉग वाला, वो आगे बात करेंगे. तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन को हमने इसके बेसिक फंक्शंस में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स. अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जब कॉस स्क्वायर एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में एलसीएम लेने पर कॉस स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ये एक फार्मूला होता है कॉस 2x का, तो बन जाएगा कॉस 2x साथ में डी एक्स. 1 अपॉन कॉस 2x अगर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec 2x डी एक्स. sec 2x का इंटीग्रेशन, अब sec x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है. sec x का इंटीग्रेशन अगर देखें तो सीधा सीधा एक फार्मूला होता है log sec x प्लस tan x. अब log sec x प्लस tan x कहाँ से आया, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, sec x प्लस tan x
log का function है तो sec x upon tan x upon में चलाएगा, sec x plus tan x, ऊपर हो जाएगा sec x into tan x plus tan x का sec square x, ऊपर अगर sec x common ले लें तो बचेगा sec x plus tan x upon में sec x plus tan x, ये दोनों cancel तो कितना आ गया sec x। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करने पे वापस ये मिलेगा। तो इस तरह से sec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log sec x plus tan x, तो sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x plus tan x। तो यहां पर हमें कितना दिया हुआ है sec 2x, sec 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा log sec 2x plus tan 2x plus में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि x की जगह कितना दिया हुआ है x का लीनियर फंक्शन 2x। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है cos रूट x ओवर अपॉन में रूट x, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहां पर किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स को, रूट एक्स को टी मानेंगे, आएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, साथ में डी एक्स बराबर डी टी। हमें ज़रूरत कितने की है, सिर्फ हमें ज़रूरत है डी एक्स बाई रूट एक्स की। देखिए ये डी एक्स अपॉन में कितना रूट एक्स, डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, तो इसी की ज़रूरत है। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल हो जाएगा टू डी टी, डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की जगह 2 डी टी, टू कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा डी टी, और कॉस में रूट एक्स को आपने माना हुआ है टी। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, सॉरी हाँ तो ये आ गया 2 कॉस टी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह हमने रख दिया 2 डी टी, 2 कॉस टी डी टी बन गया। कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की वैल्यू आपको वापस रिप्लेस करनी पड़ेगी, t की वैल्यू कितनी थी रूट एक्स, तो 2 साइन 2 साइन रूट एक्स प्लस में c, ये हो जाएगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है रूट, रूट में है साइन 2x और मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2x, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब अगर साइन 2x को t मान लें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन x का cos 2x, ये 2x का 2 आया बाहर, साथ में dx बराबर dt, यहाँ से cos 2x dx इक्वल कितना हो गया dt बाई 2, तो cos 2x dx दिया गया है, इसकी जगह हमने रख दिया dt अपॉन में 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, अंदर में कितना बचा रूट साइन 2x, साइन 2x की जगह कितना रख दें t, साइन 2x की जगह t रख दिया। अब यहां पर t की पावर में अगर देखा जाए तो बन रहा है 1/2, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो ये कांस्टेंट है बाहर था, t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में 3 बाई 2, जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो ऊपर चला गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साथ में आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस में c, t की वैल्यू वापस से रख देंगे साइन 2x की पावर में 3/2 अपॉन में 3 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि cot x log साइन x इंटीग्रेशन dx। अब इसमें किसको t माना जाए, cot x का डिफरेंशिएशन करने पे, डिफरेंशिएशन करने पे कभी भी log नहीं आता, तो log वाले को मान के देखते हैं, log साइन x इज इक्वल t मान लिया, log साइन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साथ में dx बराबर dt, यहां से cos अपॉन साइन कितना हो गया cot, तो cot x dx बराबर dt, क्या हमें cot x dx की जरूरत थी यहां पर, बिल्कुल थी, t इज इक्वल में dt, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो आ जाएगा dt
log sin x को आपने माना हुआ है t, पूरे log sin x को t माना हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t की पावर में 1 है ना ये, तो इसमें अल्जेब्रिक वाला फॉर्मूला लग जाएगा t की पावर में 2 अपॉन में 2 प्लस में c। अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी थी log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि sin x अपॉन में 1 प्लस cos x, इसको इंटीग्रेट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें 1 प्लस cos x को अगर t मान लिया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए 1 का 0 cos x का माइनस sin x dx इज इक्वल dt, हमें चाहिए कितना sin x dx, sin x dx, तो ये माइनस इसके साथ आ गया, sin x dx की जगह आ गया माइनस dt, तो ऊपर माइनस dt अपॉन में इस पूरे को हमने माना हुआ है t, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस में c, t की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे, log t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस cos x और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है sin x अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है इसका x के रिस्पेक्ट में। अगर 1 प्लस cos x को t मान लें, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करें, 1 का 0 cos x का माइनस sin x dx बराबर dt, तो sin x dx की जगह हम रख देंगे माइनस dt अपॉन में, ये माइनस बाहर लिख देते हैं, 1 प्लस cos x को हमने माना है t, तो ये है t स्क्वायर, t स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा t की पावर माइनस 2 dt। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लगाना होगा अल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, अल्जेब्रिक फंक्शन हमने पढ़ा x की पावर n का होता है, तो यह आ जाएगा माइनस t की पावर माइनस 2 का t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जब 1 माइनस 2 करेंगे तो आएगा माइनस 1 t की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1 बाई t, किसी की भी पावर माइनस 1 हो तो वो अपॉन में जाता है 1 बाई t प्लस c, 1 अपॉन t की वैल्यू कितनी 1 प्लस cos t cos x प्लस में c, ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस cot x, 1 अपॉन 1 प्लस cot x को पहले हम इसके बेसिक फंक्शन में लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस cot x को लिखेंगे cos x अपॉन में sin x। अब हूँ आउट बाय sin x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया sin x प्लस में cos x, और ये sin x ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sin x और साथ में dx। अब यहाँ पर किसी भी फंक्शन को t मानने पर दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन लगाएंगे हम, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो sin x बना, 2 sin x को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin x प्लस sin x, और इसके पूरे के अपॉन में होगा sin x प्लस cos x। यहाँ पर हम प्लस में cos x ऐड कर सकते हैं और माइनस में cos x सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर प्लस cos x माइनस cos x किया, ये अभी भी लिखा हुआ है वही जो पुराना फंक्शन है वही लिखा हुआ है, अगर देखें तो cos x से cos x कैंसिल, sin x 2 sin x तो 2 से 2 कैंसिल, ये वही फंक्शन लिखा हुआ है, हमने बस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके cos x ऐड कर दिया है। अब 1 बाई 2 इंटीग्रेशन में ये sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कॉमन डिनोमिनेटर में है, sin x प्लस cos x इसके भी डिनोमिनेटर में है, और प्लस में sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x इसके डिनोमिनेटर में भी है, अगर इसको चाहें तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करने के बाद आ गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन में ये 1 बचा प्लस में sin x माइनस cos x अपॉन में
cos x sin x plus cos x, sin x plus cos x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें इस 1 को अलग कर लिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में, एक नया इंटीग्रेशन बन गया sin x माइनस में cos x अपॉन sin x प्लस cos x, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब इस फंक्शन में हम लोग मानेंगे t sin x प्लस cos x को, इस sin x प्लस cos x को t मानेंगे और ऊपर माइनस कॉमन लेंगे, जब ऊपर माइनस कॉमन लेते ही बन जाएगा cos x माइनस में sin x और अपॉन में sin x प्लस cos x दिया हुआ है, sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos x, cos x का करेंगे तो माइनस sin x, अब नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला फंक्शन मिल रहा है। तब तक आप इधर वाली वैल्यूज नोट कर लें, हम इधर नोट करना शुरू करेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बन गया 1 बाई टू, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस में, इस पूरे नीचे वाले को हमने t मान लिया, इस पूरे फंक्शन को हमने t मान लिया है, तो आ जाएगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा cos x माइनस में sin x साथ में dx इज इक्वल dt, इस पूरे फंक्शन की जगह ऊपर देखिए हमने dx की जगह लिख दिया tt, 1 बाई टू इंटीग्रेशन में x माइनस में इंटीग्रेशन dt, और अपॉन वाली वैल्यू को हमने माना हुआ है t, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 1 बाई टू एक्स माइनस लॉग t प्लस में c। अब t वेरिएबल हम रख नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है, तो t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 1 बाई टू एक्स माइनस में log sin x प्लस cos x प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कभी कभी चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जब आपको सीधे सीधे फंक्शन ना बन रहा हो, किसी एक फंक्शन को t मानने पर दूसरा ना आ रहा हो, तो आपको कुछ जोड़ घटा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा कि पहले को डिफ्रेंशिएट करें तो दूसरा मिल जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 सेम वही क्वेश्चन है जैसा ऊपर 1 प्लस कॉट एक्स वाला दिया हुआ था, सेम वैसा ही फंक्शन है, इसमें भी 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स करके दिया हुआ है, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब अगर टेन एक्स को उसके बेसिक फंक्शन में तोड़ा जाए तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स डी एक्स, ये कॉस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर, कॉस एक्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीज़न करने पर ये फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें हम लोग 1 बाई टू कॉस एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स 2 कॉस एक्स ही लिखा हुआ है और 2 से 2 कैंसिल होने पे पुराना फंक्शन ही मिल जाएगा। आपको कुछ इस तरह से ही सिंप्लीफाई करना है कि कोई भी वैल्यू चेंज ना हो, बैलेंस रहें चीज़ें। 1 बाई टू इंटीग्रेशन में ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के अपॉन में लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में, ऊपर देखें तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन एक्स है, नीचे भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1। इंटीग्रेशन में हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी मान रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी मान रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस में साइन एक्स का कॉस एक्स, ये वाला माइनस फॉर्मूले के कारण लगा है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसके साथ में आएगा
डी एक्स इज इक्वल डी टी। जब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। हमें ज़रूरत कितने की है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की। तो इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे ऊपर, वन का इंटीग्रेशन सीधे सीधे आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स माइनस में, यहाँ पर हमने इसको टी माना हुआ है तो अपॉन में लिख दिया टी, ऊपर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह माइनस डी टी मिला तो उस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, साथ में आ गया डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करना है। ये आ जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस में वन बाई टू, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ई बेस में टी प्लस में सी। तो टी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मानी हुई है, वन बाई टू अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस में लॉग ब्रैकेट में टी की वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि रूट टेन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसमें भी कोई सीधा सीधा फंक्शन आपको नहीं मिल रहा है कि जिसको टी मान लिया जाए तो डिफ्रेंशिएशन करने पे दूसरा फंक्शन आ जाए, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, चीज़ों को अरेंज इस तरह से करेंगे कि एक फंक्शन को टी मानने पर दूसरा आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है, ऊपर दिया है रूट टेन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स से तो कॉस एक्स से डिवीज़न भी कराना पड़ेगा, साथ में डी एक्स। अब यहाँ पर देखें तो इंटीग्रेशन रूट में है टेन एक्स, ये कॉस अपॉन साइन ये बन जाएगा कॉट, ऊपर कॉट बनेगा तो नीचे आएगा तो वापस से टेन बन जाएगा, ये फिर से देखें इस चीज़ को कि कॉस अपॉन साइन होगा, अगर यहाँ लिखें तो क्या बनेगा, कॉट एक्स अपॉन में कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स। ये कॉट एक्स है, अगर अपॉन में भेजें तो हो जाएगा टेन एक्स, रूट टेन एक्स अपॉन में टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर रूट टेन एक्स की पावर में वन बाई टू है, यहाँ अपॉन में कितना है वन, तो डिनोमिनेटर में वन है, ऊपर पावर में वन बाई टू है, डिवीज़न में पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट टेन एक्स और ऊपर दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स। अब फिर से एक बार फंक्शन को देखें, किसको टी माना जाए इसमें, टेन एक्स को, टेन एक्स को अगर टी मान लें तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल में डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमने रख दिया डी टी और अपॉन में अंडर रूट में टेन एक्स को माना हुआ है टी। जब टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में बन जाएगा टी की पावर माइनस वन बाई टू, साथ में डी टी, और इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन में माइनस वन बाई टू प्लस वन, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू वापस रखेंगे, वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू होगा, तो ये बन जाएगा रूट टी, टी की वैल्यू कितनी थी टेन एक्स, रूट टेन एक्स और अपॉन में वन बाई टू, वो टू चला जाएगा ऊपर, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर ये है 35, वन प्लस लॉग एक्स अपॉन में एक्स और ऊपर दिया हुआ वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में कह लीजिए। तो वन प्लस लॉग एक्स को हम क्या मानेंगे टी, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का जीरो आ जाएगा, लॉग एक्स का वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, वन बाई एक्स यहाँ वन बाई एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे डी टी और साथ में वन प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना है टी, तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर।
अब टी स्क्वायर डी टी बहुत ही बेसिक फंक्शन है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन का फार्मूला लग जाएगा, अल्जेब्रिक फंक्शन का फार्मूला। तो टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में थ्री प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। टी की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू कितनी है, वन प्लस लॉग एक्स और इस पूरे की पावर में थ्री अपॉन में थ्री प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है एक्स प्लस वन ब्रैकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स और इसके अपॉन में एक्स, इंटीग्रेट करना है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसमें हम एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है तो x प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस में लॉग x का 1 बाई एक्स और इस पूरे के साथ dx बराबर में dt, x का 1 में मल्टीप्लाई x, x प्लस 1 बाई एक्स आ गया साथ में dx बराबर dt। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है x प्लस 1 बाई एक्स dx, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया कितना dt, और x प्लस लॉग एक्स को हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, x प्लस लॉग एक्स की पावर में 3 अपॉन में 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये था क्वेश्चन नंबर 36। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक्स क्यूब साइन, साइन के अंदर में थीटा की जगह फंक्शन लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स की पावर में 4 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 8, इसको इंटीग्रेट करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 1 अपॉन अगर एक्स की पावर 8 को देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स टेन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर साथ में dx, ये फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पर हम टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को t मान लेंगे, जब टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को t माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर और x की पावर 4 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4x क्यूब साथ में dx इज इक्वल dt। अब हमें ज़रूरत कितने की है, इसमें से x क्यूब चाहिए साथ में dx भी है अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर ये भी है, तो 4 को इधर भेज देंगे तो ये 4 चला आएगा इधर डिनोमिनेटर में dt के। इस पूरे फंक्शन को हम रिप्लेस करेंगे dt बाई 4 से, इस पूरे को हमने लिख दिया dt और अपॉन में 4 कांस्टेंट है बाहर चला गया। साइन टेन इनवर्स e की पावर x को हमने t माना हुआ है, साइन t का डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का cos t, तो माइनस 1 बाई 4 cos t प्लस में c और t की वैल्यू वापस से रिप्लेस करेंगे cos t की जगह कितना आ जाएगा टेन इनवर्स x की पावर 4 प्लस में c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 10 x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x log नेचुरल बेस पे e लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है नेचुरल बेस पर 10 अपॉन में है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करते समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऊपर डिग्री x की 9 आ रही है नीचे 10 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल सकता है लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने पे ये नहीं मिलेगा, तो x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x को हमने t मान लिया। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 10x की पावर 9, 10 की पावर x का 10 की पावर x log में e बेस में 10 और इसके साथ में dx इज इक्वल dt, इस पूरे फंक्शन की जगह हमने dt लिख दिया, ऊपर देखिए ये दिया हुआ है, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया dt और अपॉन में इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है t, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो
log e बेस पर t प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की वैल्यू कितनी है, log e बेस में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव इससे मैच कर रहा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू है, तो आप मैच कर लें जो भी इसका आंसर बन जाए, जो भी एक्सरसाइज में दिया हो आपको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें किसी को भी t मानने पे दूसरा फंक्शन नहीं आएगा, इसमें हम एक काम कर सकते हैं ऊपर 1 लिख के और आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको यूज़ करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऊपर। जब ये डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स होता है प्लस में सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 7.2 सॉल्व की। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वो 7.3 के इंट्रोडक्शन पे होगी कि उसमें किस बेसिस पे हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे उसमें, किस पे बेस्ड एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।